नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप सभी को द बायोग्राफी चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे जया किशोरी जी की संपूर्ण परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, भारत में कई ऐसे कथावाचक हुए हैं जिन्होंने भगवत गीता, रामायण, मीराबाई की कथा, नरसिंह भक्त जैसी कथाओं का वाचन करके लोगों को आनंदित किया है। हमने अपने इस वीडियो में भी ऐसे ही कथावाचकों की बायोग्राफी, जीवनी की वीडियो बनाई है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ही कथावाचक गायिका की जीवनी आपको बताने वाले हैं, जिनका नाम है जया किशोरी। दोस्तों, जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों को भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसी की भात जैसी कथाओं को अपनी मधुरता तथा मीठी आवाज के माध्यम से लोगों को सुनाया है। जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। यहाँ जहाँ कहीं पर भी कथा वाचन का प्रोग्राम करती हैं, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इन्हें सुनने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं जया किशोरी जी की जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया किशोरी रियल नेम जया शर्मा है। जया किशोरी पेशे से कोई साध्वी या संत नहीं है। यह एक सामान्यतः स्त्री है जो भजन तथा कथा वाचन का कार्य करती हैं। जया किशोरी के पिता का नाम राधेश्याम जी हरितपाल है तथा इनके माता का नाम गीता देवी हरितपाल है। जया किशोरी अपने परिवार में अपने सभी भाई बहनों में से बड़ी हैं। वर्तमान समय में यह कोलकाता में रहते हैं तथा पूरे दुनिया भर में कथा वाचन का कार्य करते हैं। दोस्तों, जया किशोरी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की है। इसके बाद आगे की कॉलेज की पढ़ाई में बीकॉम की डिग्री 2020 में पूरी कर ली है। पढ़ाई के साथ ही जया किशोरी भक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ी, कई शास्त्रों वेदों की शिक्षा प्राप्त की है। दोस्तों, जया किशोरी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, इस कारण उनके परिवार में भक्ति का माहौल बना रहता था। बचपन से ही जया किशोरी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था। यह कृष्ण को अपने मित्र, सखा, सब कुछ मानती थी और कृष्ण की भक्ति में हमेशा मधुर गीत गाती थी। उनके परिवार में हनुमान जी का सुंदर कांड हमेशा पढ़ा जाता था। इसके बाद से ही उन्होंने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे कई अलग अलग राज्यों में भी भजन कार्यक्रम करने का कार्य शुरू कर दिया। दोस्तों, जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत में लिंगाष्टम, शिव तांडव स्त्रोत्तम, रामाष्टम आदि को गाना शुरू कर दिया था। इनकी मधुर वाणी सभी को काफ़ी पसंद आती थी। इसके बाद मात्र 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने सुंदर कांड सुनाकर लाखों भक्तों को आनंदित किया। इसके बाद से जया किशोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती गई। जया किशोरी जी का भजन जागरण का कार्यक्रम लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है, क्योंकि लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी बच्ची और मीठी आवाज़ में इतना सुंदर कैसे गा सकती हैं। और यही वजह थी कि जया किशोरी की आवाज़ काफ़ी मीठी और मधुर थी और उनके चेहरे का तेज इन्हें किसी देवी से कम नहीं बताया जाता था। कई लोग इन्हें देवी के रूप में भी मानते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे जया किशोरी भगवान के भजन कीर्तन तथा कथाओं का वाचन करते हुए पूरे भारत में कई भक्तों के दिलों में बस गई। बचपन से ही जया किशोरी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती आ रही हैं। यह कृष्ण की भक्ति में नाचती तथा झूम उठती हैं। जया किशोरी खाटू श्याम जी के दरबार में हर साल राजस्थान आती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर 2 से 3 दिन तक रुकती हैं और यही रात्रि में यहाँ पर भक्तिमय माहौल बनाकर लाखों भक्तों को भजन कीर्तन तथा कथाओं सुनाकर भक्तिमय माहौल बना देती हैं। दोस्तों, जया किशोरी के गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र ने इनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए जया किशोरी जी को किशोरी जी की उपाधि दी। जब जया किशोरी कथा वाचन तथा भजन जागरण का आयोजन करती हैं तो वहाँ पर दान पुण्य तथा चंदा के रूप में काफ़ी पैसा इकट्ठा होता है, जिसे यह अपने निजी उपयोग में न लाकर उदयपुर में स्थित नारायण सेवा संस्थान में दान देती है। यह संस्था अपंग लोगों के उपचार में
पैसे लगाती हैं। एक बार मैं भी उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में गया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस संस्थान को फंडिंग कहां से मिलती है। लेकिन जब मैं जया किशोरी की जीवन के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब इस चीज का मुझे भी पता चला कि जो उदयपुर में इतनी बड़ी संस्था है, उसकी फंडिंग जया किशोरी के माध्यम से चलता है। इनके जैसे कई दानताओं का संस्था चलाते हैं, जो एक बहुत बड़े पुण्य का काम है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जया किशोरी की शादी के बारे में भी कई चर्चाएं होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि जया किशोरी साध्वी है, लेकिन जया किशोरी खुद को एक सामान्य स्त्री मानती हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने शादी के बारे में भी बताया कि वह शादी करेंगी, लेकिन उसके लिए अभी समय है। तो इसके जवाब से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जया किशोरी जी कोई साध्वी नहीं है, यह एक कथा वाचन तथा भजन गायिका हैं। जया किशोरी खाटू श्याम जी तथा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं और यह उनके गुणवान हमेशा अपनी कथाओं में करती हैं। जया किशोरी के इस काम की वजह से उनका पूरा परिवार आज काफ़ी खुश है और उनके माता पिता को इनकी बेटी पर बहुत गर्व होता है। जया किशोरी सरल और सिंपल कपड़ों में रहती हैं, यह ज़्यादा फैशन तथा श्रृंगार नहीं करती हैं, इन्हें बस भगवान की भक्ति में ही आनंद आती है। दोस्तों, 2019 में एक सर्वे फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकॉन युवा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जया किशोरी को युवा आइकॉन के रूप में भी माना गया है। इस सर्वे में 18,320 लोगों की राय ली गई, जिसमें जया किशोरी जी का अध्यात्म की श्रेणी में रखा गया। इस बार फेम इंडिया मैगजीन में एशिया पोस्ट सर्वे में 300 से ज़्यादा नामी लोगों के नामों में विभिन्न मापदंडों पर कसा, जिसके सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला। छवि, उद्देश्य और प्रयास जैसे 10 मानदंडों को आधार पर बनाकर किए गए स्टेक होल्डर सर्वे में जया किशोरी जी को आध्यात्मिक श्रेणी में प्रमुख स्थान पर रखा गया है, जो इनके लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।